कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां मंत्री ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए कहा कि विपक्ष की बातें उचित नहीं हैं। बजट में रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं और उत्तराखंड को भी इसमें बहुत कुछ मिला है। वहीं सतपाल महाराज ने जोशीमठ आपदा पीड़ितों को जोशीमठ में विस्थापित किए जाने की भी बात कही है। मंत्री सतपाल ने कहा कि विपक्ष बजट पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, उत्तराखंड के लिए भी 504 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा जारी बजट में उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी और रेल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, साथ ही नए एयरपोर्ट बनाने की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके साथ ही आइए सुनवाते हैं मंत्री सतपाल महाराज ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। ये सब बातें जो हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि बजट के अंदर बहुत से रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के लिए 504 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसमें नए नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, यातायात को और भी अच्छा किया जाएगा और इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स बनेंगे। तो कहने का मतलब रोजगार हम पैदा कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि हर आदमी मोबाइल रखता है, मोबाइल का पेमेंट भी वो कर रहा है, इनकम बढ़ी है। पहले जो इनकम थी उससे कई कई गुना ज्यादा हमारी इनकम बढ़ी है। ये जो अपोजिशन की जो बात है ये मिथ्या है। प्रदेश में 11 प्रमुख रेलवे स्टेशन बनेंगे।